नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा आपको कि आप केवल 2 महीने प्रैक्टिस करना और 2 महीने के बाद में आप खुद से प्रोग्राम करने लग जाओगे, गारंटी है ये मेरी। लेकिन आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग तो इसी बात से डर जाएंगे कि रूल फॉलो करने पड़ेंगे। क्या रूल हैं? तो 1 by 1 करके मैं सारे रूल भी आपको बताऊंगा, ठीक है? और आप देखिएगा। और दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक से एक बेहतर ट्यूटोरियल आपको चैनल पर मिलते हैं। और अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे मेरी सभी, तो सभी वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे फॉर्मूले बताए जो आज तक कोई नहीं बताता जल्दी से। उसका रीज़न क्या है कि लोग सोचते हैं कि भाई अगर ज़्यादा लोग सीख जाएंगे तो हमारा काम कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। पर डे पॉपुलेशन बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि आपका काम ख़त्म हो जाएगा या आपका काम कम हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज मैं बहुत सारे टॉपिक्स पर आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जिससे कि आप 2 महीने में अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करते हैं तो 2 महीने के अंदर आप खुद से प्रोग्राम करने लग जाएंगे। बजाने की तो बात छोड़ दीजिए, आप प्रोग्राम करने लग जाएंगे। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो अभी और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो, जिससे कि जो भी वीडियो मेरी पड़े तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और डेली चैनल पर आप विजिट करिए, आपको हर कुछ नया देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो आज तक आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। और आप मेरे पीछे के वीडियो उठाकर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस तरीके के वीडियो बनाता हूँ, किस तरीके के ट्यूटोरियल मैं बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं ऐसा ट्यूटोरियल आपको बताऊँगा कि जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ 2 महीने में कंप्लीट आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, तो इन्हें मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या टॉपिक हैं और कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1, आपको अलंकार की प्रैक्टिस करनी है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होती कि अलंकार क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले देखो, कीबोर्ड या हारमोनियम के बारे में जान लें। 3 सप्तक होती हैं। पहली सप्तक होती है मंद सप्तक, दूसरी सप्तक होती है मध्य सप्तक, तीसरी सप्तक होती है तार सप्तक, ठीक है? 3 तरीके की सप्तक संगीत के अंदर होती हैं, ठीक है दोस्तों? उसके नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, पहले तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर आपको फिंगर चलाने की जानकारी होनी चाहिए कि फिंगर कैसे चलती हैं। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए, मैं यहाँ से ये हमारा एक ऑक्टेव है, एक सप्तक है ये। तो एक सप्तक में कितने नोट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नोट हैं। और 13वां नोट फिर सा से सा आ जाता है। फिर आगे वही नोट हैं, सारे गामा पाधानी सा, इधर भी वही है सारे गामा पाधानी सा, ठीक है? इसमें जितने भी नोट हैं सभी एक जैसे ही बोलते हैं, ठीक है? सारे गामा पाधानी से ही बोलते हैं सब नोट। तो नंबर 1, आप अलंकार की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अब देखिए होता क्या है, लोग क्या करते हैं, सारे गामा पाधानी सा, बस खाली इतना बस सीख जाते हैं और कहते हैं कि सर हमें अलंकार की तो प्रैक्टिस है। दोस्तों, ये अलंकार नहीं है। अलंकार को अच्छे तरीके से करना सीखिए आप। पलटे वाले अलंकार आप करें, जो अच्छे अच्छे अलंकार हैं उन्हें आप अप्लाई करें। जैसे सा 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 रे सा सा रे ग रे सा सा रे ग म ग रे सा रे ग म ग म ग रे सा रे ग म ग ग म म ग रे सा। इस तरीके से आप अलंकार की प्रैक्टिस करें। सा रे ग रे ग म ग म ग म ग रे सा।
इस तरीके से आरोह अवरोह दोनों करें, ठीक है। फिर फलटे वाले में आप बैक में जाएं कीबोर्ड के अवरोह क्रम में, यानी सा सा नी सा 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 नी पा नी सा 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 नी पा पा ना नी सा ता सा नी पा पा ना नी सा ता सा नी पा पा ना मा ना ना नी सा। ऐसे करके आप अलंकार की प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। नंबर दो, दोस्तों क्या करना है आपको, आपको स्केल की जानकारी होनी चाहिए, स्केल रूट की जानकारी होनी चाहिए। आपको रूट नोट अगर बजाने आ गए तो आप अच्छे तरीके से कंप्लीट बहुत जल्दी से प्रैक्टिस आप कर लेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसकी वीडियो देख लीजिए चैनल पर। देखिए वैसे जो रूट स्केल होते हैं वो ये होते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से बजा रहे हैं तो हमारा यहाँ से शुद्ध रूट क्या बनेगा, मान लीजिए यहाँ से हम रे और गा दो नोट कोमल लगा रहे हैं, यानी हम थाट भैरव बजा रहे हैं, तो क्या करेंगे ठीक है दोस्तों। मान लीजिए आपको यहां से बजाना है तो यहां का रूट क्या है, शुद्ध रूट ठीक है। मान लीजिए आप यहां से बजा रहे हैं तो यहां का रूट क्या होगा, यानी हरचावी का अलग रूट है, उसको सीख लीजिए। आपने वीडियो नहीं देखी, वीडियो देख लीजिएगा मेरे चैनल पर, इसकी वीडियो डाली हुई है मैंने, ठीक है दोस्तों। फिर उसमें कोमल और तीव्र नोट लगाने सीखें, जैसे अभी हम बजा रहे थे राग भैरव, ठीक है, उसी तरीके से अब रे कोमल आ गया, यहाँ धा कोमल यहाँ आ गया। मान लीजिए आपको चारों नोट कोमल बजाने, जैसे राग भैरवी के जो बजते हैं, तो आप कोमल और तीव्र नोटों को ठीक से बजाना सीख जाइए। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों हमारा क्या होता है, देखिए होता क्या है, अब गाना मान लीजिए आपने सीख लिया बजाना, जैसे मैं आपको एक गाना बता देता हूँ, देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ, इसमें सा कौन सा है, अब क्योंकि गाना हमने यहाँ से शुरू किया और हमने नोट लगाए ये वाला, ये 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 सब ये नोट लगाते गए हम, इसमें सा ये है, हमारा गाना पीछे से उठ रहा है पा से, सा नी धा पा, हमारा गाना पीछे से पा से उठ रहा है, ये रे हो गया, देखिए क्या है सारे ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर है ये सानी धापा इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको अपने सा को पहचानना सीख जाइए, अगर आप सा को पहचान जाएंगे, देखिए आप एक पेड़ लगाते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं आप सबसे पहले मिट्टी में एक बीज डालते हैं, उसमें खाद पानी डालते हैं, तो आपका एक पौधा उग के तैयार होता है, ठीक है।
तो अब उसकी जड़ बन गई, ठीक है। अब क्या होगा, जब उसकी जड़ बन जाएगी तो धीरे धीरे वो बड़ा होने लगेगा। तो उसकी जड़ को यानी सा, जो हमारा सा है उसको पकड़ लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ से सा अपना मान लिया, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका सा है, तो अब यहाँ से नोट सीख जाइए कि आगे क्या होगा। सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, इन्हें सीख जाइए। पीछे क्या होगा, सा नी, कोमल नी, धा कोमल धा, पा, इस तरीके से। तो अपने सा को पहचान लीजिए कि सा कौन सा है। और सबसे पहले दोस्तों गाना यहां से ही आप शुरू करिए, चाहे गाना आपका गा से निकले, गाना आपका पा से निकले, या गाना आपका सा से निकले। और दोस्तों दुनिया के 80% गाने सा गा पा इन नोटों से ही निकलते हैं। गा में दो तरीके के हो जाते हैं, एक कोमल और एक शुद्ध, ठीक है। आप हैप्पी और जो सैड सॉन्ग होते हैं उसको पहचानिए। अगर आपका जो सॉन्ग है वो सैड है तो उसमें गा कोमल यूज होगा मैक्सिमम, और अगर हैप्पीनेस वाला है तो आपका शुद्ध गा होगा। जैसे देखिए, मेरी झोपड़ी के क्या हैप्पीनेस वाला सॉन्ग है कि मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे, आने की खुशी जाहिर कर रहा है इसमें जो जिसने लिखा है, ठीक है। अब देखिए सैड सॉन्ग किस तरीके से, यानी सैड सॉन्ग है, उसकी फीलिंग ही सैड है कि ए मेरे दोस्त लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, ठीक है। इसमें दोनों गा का यूज हुआ क्योंकि ये राग शिवरंजनी में है, तो दोनों गा का इसमें यूज हुआ है। लेकिन मेन जो गा है वो कोमल गा है। आप तीन नोट भी दबा लोगे तो आप अच्छे तरीके से गाने गा लोगे। यानी वो आपका स्थिर रहेगा। तो इसको सीख जाइए दोस्तों, ठीक है। दूसरा नंबर दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हमें क्या करना चाहिए, अपनी निरंतरता हमें बनानी चाहिए। निरंतरता से मतलब है कि डेली प्रैक्टिस हमें 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे डेली इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो हम 2 महीने में ये कंप्लीट सारी चीज़ें सीख जाएंगे। दूसरा दोस्तों, नेगेटिव सोच से दूर रहिए हमेशा, क्योंकि नेगेटिव सोच आगे बढ़ने नहीं देती। कभी भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे अरे यार मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा, गारंटी है आप सीख ही नहीं पाएंगे। आप सोचिए मैं क्यों नहीं सीख पाऊंगा, जब सब सीख सकते हैं तो मैं भी सीख सकता हूं, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए हमेशा, नेगेटिव मत सोचिए कि अरे यार मेरे से तो बज ही नहीं रहा, गाना नहीं निकल रहा। अरे एक दिन में भैया कोई गाना नहीं निकलता किसी से। तो आप पॉजिटिव सोचिए, जब सामने वाला गाने बजा सकता तो मैं भी बजा सकता हूं, और मैं कोशिश करूंगा एक दिन 101% मैं गाने बजाऊंगा। पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को इतना मोटिवेट कर लीजिए कि गाना खुद कहे कि भैया हाँ मैं निकलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अपनी निरंतरता बनाए रखें और नेगेटिव पन से दूर रहें, पॉजिटिव सोचें हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, पहले हम स्टार्टिंग में धीरे धीरे छोटे छोटे जो सॉन्ग होते हैं उन्हें निकालना सीखे। जैसे अभी मैं निकाल रहा था राम आएंगे आएंगे, ठीक है, मेरी झोंपड़ी के भागाज खुल जाएंगे।
अब देखिए। इस तरीके के छोटे छोटे सॉन्ग निकालना सीखिए, और छोटे छोटे सॉन्ग निकालेंगे तो आपको उससे स्वर का ज्ञान आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब साउंड को आप समझेंगे ना कि सा रे, अब देखिए दोनों के बीच में साउंड के फर्क है। अब देखिए ये तो चलो इन दोनों के बीच में एक ही चाबी है, अब देखिए इन दोनों का साउंड देखिए। दोनों साउंड में फर्क नजर आ रहा होगा आपको, इस फर्क को समझ लीजिए। अलंकार बजाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अलंकार बजा के कोई तीर नहीं मार लेता, सारे ये अलंकार का तरीका ही नहीं है। अलंकार सही तरीके से करिए, स्थिरता से करिए, निरंतरता से करिए। यानी नोट के साउंड को अपने माइंड में कैप्चर करते जाइए। कैसे, जैसे देखिए मान लीजिए आप क्या करते हैं राग यमन में, अब आपने क्या किया नी से ही अपनी आवाज सेट कर ली। तो इस चीज को ध्यान रखें, पहले छोटे छोटे सॉन्ग बजाएं, फिर आपके अड़ोस पड़ोस में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या जहाँ भी जो भी जिस भी आप धर्म से आते हैं, हर धर्म में संगीत होता ही होता है, ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें संगीत या म्यूजिक नहीं होता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, आसपास में आपके मंदिर है मस्जिद है गुरुद्वारा है, वहाँ पर आप जो भी भजन कीर्तन वाले लोग हैं उनके साथ कोशिश करिए कि वो आपको शामिल कर लें उसमें, और उनके साथ बजाने की कोशिश करिए। या कोई आप किसी ढोलक वाले को जानते हैं, तबले वाले को जानते हैं, तो क्योंकि प्रैक्टिस वो भी लोग करते हैं, उनके साथ बैठकर प्रैक्टिस करिए, तो आप बहुत जल्दी से निखार में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मेन जो पॉइंट है हमारे उन पर आते हैं कि क्या करना होगा जिससे कि आप 2 महीने के अंदर में ही खुद से स्टेज प्रोग्राम करने लग जाएं। दोस्तों ये जितनी बातें मैंने बताई हैं पहले इन बातों को सीख लें, उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है 10 थाट सीख लेने हैं। ठीक है, अब थाट कौन कौन से होते हैं, बिलावल, खमास, काफी, आसावरी, भैरवी, भैरव, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ये 10 थाट हमारे संगीत के अंदर बताए गए हैं, है ना। इन 10 थाट को आप याद कर लीजिए कि कौन से थाट में कौन कौन से नोट कोमल और तीव्र लगते हैं, इन चीज़ों को याद कर लीजिए। बड़ा जाहिर सी बात है कि जो हमारा थाट बिलावल है उसके अंदर सारे नोट शुद्ध लगते हैं, सारे जो हमारा खमास थाट है उसके अंदर केवल बाकी सारे शुद्ध नोट लगेंगे, केवल शुद्ध नी की जगह पे कोमल नी लग जाएगा। जो हमारा कल्याण थाट है उसके अंदर सारे मा शुद्ध की जगह पे तीव्र यूज हो जाएगा, बाकी सारे शुद्ध लगेंगे। राग भैरव है उसके अंदर रे और धा, ये दो नोट कोमल लग जाएंगे। राग दरबारी है जो आपका थाटा सावरी है उसमें गा धा नी, ये 3 नोट कोमल लग जाएंगे। राग भैरवी है उसमें 4 नोट आपके कोमल लग जाएंगे, सारे रे गा धा नी। तो इन 10 थाटों को सीख जाइए। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, मेन पॉइंट पे आ जाइए, फिर आपने करना है इन 10 थाटों के 10 गाने आप याद कर लीजिए। जैसे 10 गाने राग बिलावल के याद कर लीजिए, 10 थाट खमाज के याद कर लीजिए, थाट काफी के 10 गाने याद कर लीजिए, 10 गाने आप असावरी थाट के याद कर लीजिए,
दस गाने आप भैरवी थाट के याद कर लीजिए, दस भैरव के याद कर लीजिए, यानी दस दस गाने सभी थाट के आप सीख जाइए। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप किसी भी प्रोग्राम में बैठ जाना बजाने के लिए। अगर आपको कोई ये कह दे कि नहीं भैया आपसे नहीं बज रहा, और फिर आप जैसे जैसे इन दस गाने सीख जाएंगे, दोस्तों देखो किसी भी प्रोग्राम के अंदर 10 × 10 यानी 10 × 10 100 गाने हो गए। 100 गाने आज तक किसी भी प्रोग्राम में नहीं बजते, चाहे कितना भी वो हाई लेवल का प्रोग्राम हो, कितना भी छोटा प्रोग्राम हो, 100 गाने नहीं बजते, क्योंकि एक गाना ही कम से कम 2-3-4 मिनट का होता है। 100 गाने किसी भी प्रोग्राम में आज तक नहीं बजे, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके पास भाई मान लो पूरी रात में कितने गाने बजे, 20-30, लेकिन आपके पास बैकअप है पूरा 100 गाने का, ठीक है? अब जब ये गाने सीख जाएंगे और थाट सीख जाएंगे आप, तो कुछ फेमस राग उनकी जानकारी ले लीजिए आप। फेमस रागों में कौन कौन से आते हैं देखिए, राग पहाड़ी, राग बिलावल, राग भोपाली, राग शिवरंजनी, राग भैरवी, राग दरबारी, इस तरीके के जो जितने भी राग हैं, राग यमन, लगभग 10-15 राग आप ऐसे सीख लीजिए जो आपका काम, आपका पहिया गाड़ी का चलाने में मदद कर दें। और जैसे जैसे फिर आप प्रोग्राम करते जाएंगे, हर रोज आपके सामने नई नई चीज़ें आएंगी, नए नए तरीके के लोग आपके सामने गाएंगे, आपको उनसे कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों आप बड़े ही आराम से 2 महीने के अंदर, गारंटी है मेरी, 2 महीने आप प्रैक्टिस कर लीजिए और 2 महीने में आप ये सब सीख जाएंगे। नहीं सीख पाए तो मुझे बताना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं सीख पा रहे आप, क्या आपके सामने परेशानी आ रही है, आप उन्हें मेरे साथ शेयर करिए, आप कमेंट करिए कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो फिर मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरीके से करें, ठीक है दोस्तों? आप किसी भी वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि स्किप करके देखने से क्या होता है कि आप प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी नहीं ले पाते। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देख ली फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा दी, अब आगे जो बढ़ा दी बीच में जो गैप कट गया उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल गई, बहुत सारे मेन पॉइंट चले गए। तो स्किप करके मत देखिए वीडियो, फुल देखिए वीडियो, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगी। चलिए मैं मान लेता हूँ मेरी वीडियो आप पूरी नहीं देखेंगे, किसी की तो देखेंगे, क्यों देख रहे हैं भैया आप, जब आपको एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, क्यों स्किप करके देख रहे हैं आप? वीडियो कंप्लीट देखिए, जो भी आपको वीडियो चाहिए जिस भी टॉपिक पर, आप वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो टॉपिक बना के दूंगा बेस्ट से बेस्ट। दोस्तों 2-3 तरीके से काम होता है, एक फिजिकली वर्क होता है, एक मेंटली वर्क होता है, एक आपका स्मार्ट वर्क होता है। तो स्मार्ट वर्क से मैं आपको सारी चीज़ें बताता जाऊँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि ये ऑल वर्ल्ड में ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है? और फिर मुझे बताना इतनी प्रैक्टिस करने के बाद में कि आपका रिजल्ट क्या है, ठीक है दोस्तों? तो और वीडियो को इतना शेयर कर दो दोस्तों, इतना शेयर कर दो बहुत ज़्यादा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।